देखिए हमारे साथी आगे जो गाड़ी है वो हमारे को रस्ते में मिले थे, एक यूपी की गाड़ी है, एक जोधपुर की गाड़ी है, वो भी यहाँ गोरमघाट घूमने के लिए आए हैं। और ये देखिए आगे की ओर जाएंगे, ये रास्ता मोबाइल लेके, मैं पीछे गाड़ी लेके आ रहा हूँ, ले जा दिखाए ना गाड़ी गाड़ी सब करता। ये हमारे ग्रुप के ही हैं, एक जोधपुर के हैं और एक यूपी की गाड़ी है। ये देखो जगह, जंगल, पूरा जंगल, जंगल ही जंगल। हम गाड़ी साइड में लगा रहे हैं अभी, पूरा जंगल। मेरा फोन तो देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा था कि मैं अकेला ही हूँ इस टूर पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। एक यूपी की गाड़ी है और एक RJ19 जोधपुर, और हमारे भी RJ19 की गाड़ी है, और ये सभी हमारे पड़ोसी हैं, RJ19 और RJ21 दोनों भाई भाई हैं वैसे। 32 गाड़ी बाहर की है, बंदे यहीं के हैं। पहले हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे, ये भाई लोग आगे चले गए थे, हम पीछे, लेकिन हम वापस रिवर्स गाड़ी को लेके आए, उसके बाद में फिर वापस से टूर किया हमने इधर की। ये देखिए अब हमारा भी डर कुछ कम हुआ है, क्योंकि काफी लोग यहाँ हमें मिल गए हैं और वैसे डर के आगे ही जीत होती है। तो चलते हैं दोस्तों फिर से वापस टूर पे, गाड़ी आगे जा रही है और हम भी गाड़ी को लेकर रवाना हो गए हैं, और आपको छोटे छोटे वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँगा और एक साथ फिर बाद में शेयर कर दूंगा। एक बार जरूर घूमने आए हैं, एक बार जरूर घूमने आए हैं, और कम से कम अपने गाड़ी के अंदर 2 या 3 स्टेपनी साथ में लेके आए हैं। यहाँ पर पत्थरों का बहुत ही ज़्यादा, हमने भी जो साथ में लेकर आए हैं, हमारी गाड़ी 2 बार पंचर हो चुकी है, और क्या आगे जाके पता नहीं कितनी बार और हो जाएगी। रास्ते पे कांटे भी बहुत हैं और पहाड़ी पहाड़ी से निकले हुए नुकीले पत्थर जो सीधे टायर के अंदर जाकर टायर को पूरा ब्लास्ट कर देते हैं। तो सो दोस्तों, कम से कम 1 या 2 तो टायर आपको साथ में एक्स्ट्रा में लेके आना पड़ेगा स्टेपनी के अलावा। तो ये मैं पूरे सेफ्टी के साथ बता रहे हैं, पूरे सेफ्टी के साथ आए, खाना पीना लेके आए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी यहाँ आए तो किसी प्रकार की आपको असुविधा ना हो, और ग्रुप में आए 1 या 4 से 5 जने आए तो कम से कम 5 जने आए, 5 से कम जने आए और कम से कम 2 या 3 गाड़ी साथ में लेके आए। आप अगर यहाँ पे रास्ता भूल गए तो आपको वापस जाने में बहुत ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। हर 2-3 किलोमीटर के बाद में एक बंदा दिखता है, और ऐसे में आप अपनी कभी रात को आ जाएंगे तो बिल्कुल भी आपके लिए ये जगह, रात को तो आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, रात को नहीं आए, सुबह 8 बजे के आसपास आए, ताकि यहाँ 8 बजे से बाद में मंदिर जाके भैरव जी का, और उसके बाद में उधर से गोरमघाट के लिए उतर जाए। हम पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, और काफी हद तक पहुंच भी गए हैं लग रहा है। थोड़ा आगे की ओर घुमाओ, ये देखिए ये प्रवेश द्वार में घुस रहे हैं, ये प्रवेश द्वार है, अब पता करना है कि ये कौन सा प्रवेश द्वार है। वाइड भैरव जी जिसके लिए हमें जाना था, हम वही आए हैं और फाइनली सो यहाँ पहुँच चुके हैं। ऊपर चढ़ने, गाड़ी बहुत ही ऊपर जा रही है, गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते परेशान हो गया, गाड़ी जाना यहाँ। बिना एक्सपर्ट आदमी यहाँ पे नहीं आए, जिसको चलाना आता है वही आए, ऐसा नहीं कि कल गाड़ी ली और आज आगे चलाने में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है जान और माल का। पूरी सेफ्टी के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ आए, और अच्छे ड्राइवर उनको साथ में लेके आए प्लीज, और सभी बातों का ध्यान रखें तो ही आपका टूर सक्सेस होगा। ओके, अभी तक के लिए बाय, और फिर से आपके मिलेंगे। आप डायरेक्ट गोरमघाट और मंदिर आ चुका है, अंदर के भी दर्शन कराएंगे, पुजारी जी से पूछेंगे अगर फोटोशूट करने का होगा तो वहीं भी करेंगे, और ना होगा तो कोई बात नहीं, आप गोरमघाट के लिए यात्रा करेंगे तब आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। अरे कार सही लगो, मुझे लगा साइड में सही है।